दीज आर द 5 पॉइंट्स जो आपने ध्यान रखने हैं जब आप मॉक टेस्ट करोगे, वरना आपको मॉक टेस्ट का फायदा नहीं होगा। नंबर वन, टेस्ट आपने देने हैं चाहे जो मर्जी हो जाए, भले वो पार्ट टेस्ट हो या फुल टेस्ट हो, टेस्ट देने से मत कतराइए। नंबर कितने भी कम आए, टेस्ट देते समय आपको एक एजिलिटी डेवलप होती है, एक स्पीड डेवलप होती है, एक अवेयरनेस डेवलप होती है कि टेस्ट में क्या करेंगे, स्ट्रेस आएगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सिली मिस्टेक्स कौन से करेंगे जो एग्जाम में अवॉइड करें। सो प्लीज मेक श्योर आप टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट देते हुए कभी टिक मार्क नहीं करना है, साथ के साथ OMR मार्किंग करनी है, पूरा गोला बनाना है ताकि आपको अपनी स्पीड का एग्जैक्ट पता चले। रेगुलर सिटिंग के साथ टेस्ट देना, ये नहीं टेस्ट दे दिया 15 मिनट उठ गए, आधा घंटा उठ गए, टहल लिए, नहीं, एक रेगुलर सिटिंग के साथ टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिविजन कॉपी टेस्ट के हिसाब से बनाइए, जो भी गलतियां टेस्ट में कर रहे हैं वो मेन एग्जाम में नहीं करनी है, तो टेस्ट को एनालाइज कीजिए और एनालाइज करके आपने रिवीजन कॉपी पक्का बनानी है। सो टेस्ट की रिवीजन कॉपी बनाना और एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट फॉरगेट दिस, टेक केयर, बाय।